वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाद खट्टा मीठा। तो ये फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी बनने जा रही है ढाबा स्टाइल पनीर पराठा की। तो किस किस को पसंद है पनीर पराठा खाना, तो आइए आप सबको और भी इजी स्टाइल में बताते हैं पनीर पराठा हम घर पे ढाबा स्टाइल कैसे बना सकते हैं, तो वो लोग कैसे प्रिपरेशन करके रखते हैं और हमारा ढाबा स्टाइल जो पनीर पराठा इतने क्रंची बन के रेडी होता है वो किस तरह से होता है, बिल्कुल ही सीक्रेट रेसिपी है। तो आप सब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और पनीर पराठा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है गेहूँ का आटा, इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून के करीब नमक और साथ में मैंने यहाँ पर 4 से 5 छोटे चम्मच के करीब डाला है देसी घी। तो आप सबके पास जो भी घी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं या फिर आप जो मेन के लिए यूज़ करते हैं आप सेम क्वांटिटी में वो उसमें ऐड करें। बस अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और हमारा आटा को लगा के अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मथा होना चाहिए, इनको अच्छे से गूंदें जिससे आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। आटे को लगाने के बाद मैंने इनको 5 मिनट के लिए और भी अच्छे से गूंथ लिया है जिससे ये अंदर तक अच्छे से गूंथ जाए और आटा अच्छे से फॉर्मेट हो जाए जिससे पराठा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। जिस तरह से आप ढाबे में खाते हैं पराठा बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होता है, तो ये सीक्रेट टिप्स है उन लोगों की जो इस तरह से बनाई जाती है ढाबे में पराठे को। तो इस तरह से मैंने इनको गूंथने के बाद, अगर नीड लगे आपको कि पानी की नीड और है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो और आटे को अच्छे से फॉर्मेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आटा आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आटा भी अभी हार्ड है तो आप इनको और गूंथें और इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आटा को गूंथने के बाद इनको मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया था 20 मिनट के लिए। उसके बाद तब तक हम पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो पनीर का पराठा है तो पनीर मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम। सारे इंग्रेडिएंट मैंने लिस्ट दे सकती है डिस्क्रिप्शन में, आपसे जाके वहाँ पे चेकआउट जरूर कर लें। तो इस तरह से इनको अच्छे से मैश कर लेना है, पनीर में कोई भी पानी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, आप चाहे तो इनको अच्छे से निचोड़ भी सकते हैं। तो आप अपने हाथों की हेल्प से भी इनको क्रश कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटर में इनको क्रश कर लें या फिर आप इनको स्पून की हेल्प से इस तरह से क्रश कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ग्रीन चिली, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जिंजर का यूज़ किया है, आप चाहे तो क्रश करके डालें या मैंने यहाँ पे बिल्कुल फाइन चॉप करके कट किया है। अब इसके अंदर हमको डाल देना है सीजनल हरा लहसुन, आपके पास ना हो तो आप सूखा लहसुन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे से इनके अंदर इनको डाला है। स्टफिंग हमारी जितनी अच्छी परफेक्ट बन के तैयार होगी उतना अच्छा आपका पराठा भी बन के तैयार होगा। तो आटा गूंथने का प्रोसेस मैंने आप सबको बता दिया है, तो आप सब उस तरह से आटा को गूंथें और उनको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से रेस्ट होने दें जिससे आपका पराठा बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। बस इसके ऊपर हमको डाल देना है बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए प्याज, और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए प्याज डाले हैं। अब यहाँ पे हमको क्रश करके डाल देना है जीरा, इस तरह से क्रश करने से इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ सेम क्वांटिटी में हमको डाल देना है अजवाइन, अजवाइन को भी सेम प्रोसेस से डालना है, इस तरह से इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आता है स्टफिंग के अंदर। तो हाथों में आप अपने सेम क्वांटिटी में अजवाइन लीजिए और इनको इस तरह से क्रश कर लीजिए जिससे आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो यहाँ पर कस्तूरी मेथी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती का यूज़ किया है और कस्तूरी मेथी अगर आपके पास हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एसोफोरेरा यानी कि हींग, और यहाँ पे थोड़ा सा कलर लाने के लिए इसमें हमको ऐड कर देना है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। बस हल्का सा इनको बाइंडिंग अच्छा सा हो जाए इसके लिए हमको यहाँ पे डाल देना है मस्टर्ड, और फिर उसके बाद हमको खूब ढेर सारा हरा धनिया डाल देना है। इसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको जब लगता है कि आपको पराठा बनाना है तभी आप इसमें नमक ऐड करें, पहले आप नमक ऐड ना करें, इसमें से पानी रिलीज होने लगती है। जो हमने आटा लगा के रखा हुआ है वो बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है, हमको वापस ही गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें से 1 लोई निकालना है और इस तरह से इसकी कटोरी बना लेनी है। उसके बाद इसके अंदर आपको स्टफिंग कर लेनी है पनीर की, बहुत ही अच्छे से स्टफिंग करें जिससे आपके पराठे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से प्रेस करते हुए सारे पनीर को ऐड करें, और जितनी क्वांटिटी में आपको लगता है कि आपकी लोई की साइज़ कितनी है तो उस हिसाब से आप इसके अंदर स्टफिंग करें। और फिर देखिए हमारा लोई तो जिस तरह से बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद इनको बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह से रोटी बनाते हैं वैसे सेम प्रोसेस है, हल्के हाथों से इनको बला के तैयार कर लेना है। दूसरी साइड में मैंने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसके ऊपर से हल्का सा घी लगा देंगे जिससे आपका पैन बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए। बिल्कुल हीट होना चाहिए आपका पैन, तभी आपका पराठा बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होगा। फ्लेम को लो कर दे और फिर इसके बाद आपको डाल देना है ये बेले हुए पराठे। तो पनीर का पराठा इस तरह से आपको फ्लिप करते हुए दोनों साइड से पहले अच्छे से पका लेना है, उसके बाद से इसके ऊपर आपको घी लगा देना है। तो इसको आप सेके बटर में है तभी आपको ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ढाबा स्टाइल बिल्कुल खाने के लिए आपको उसके ऊपर लगाना है बटर,
और इस तरह से मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर का यूज़ किया है। इसको स्प्रेड कर लेना है और दोनों साइड से फ्लिप करके अच्छे से प्रेस करते हुए इनको पका लेना है। तो जब तक हमारा पराठा बिल्कुल क्रिस्पी होकर बन के तैयार हो रहा है, तब तक आप हमारी चटनी की रेसिपी जाके देख लें। मैंने बहुत सारी चटनी की रेसिपी भी अपलोड कर रखी है, तो जो भी चटनी के साथ आप इनको खाना पसंद करते हो, आप इनको अपने घर पर बनाए खाएँ, इन्जॉय करें। वीडियो पसंद आए तो मुझे एक लाइक जरूर करें, प्यार से कमेंट देकर बताना ना भूलें हमारी आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप सब मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पराठा को मैंने दोनों साइड से फ्लिप करते हुए क्रिस्पी करके सेक लिया है और इनको सर्व किया है मैंने हरी चटनी के साथ। तो आप सभी अपने घर पे बनाए खाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनको शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाएगी। ऐसे ही जबरदस्त रेसिपी पाने के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खाते रहिए, बनाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।